हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे, और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे होइएगा, सेफ होइएगा। आज मोदी जी ने बोल ही दिया कि अब 4.0 भी बहुत जल्द आएगा नई शर्तों के साथ, तो ये सारी बात अपनी जगह पे है। हम लोग आज इस टॉपिक पे आए हैं कि जो अपना रिजल्ट आने वाला था या रिजल्ट आने की एक संभावना थी, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा ट्विटर कैंपेन भी किया कि अब रिजल्ट एक उम्मीद थी, एक आशा की एक किरण थी, जो आज एक न्यूज आ रहा है कि 22 मई तक उसे स्थगित कर दिया गया है। अब उस पर कोर्ट का क्या फैसला होगा उसके बाद ही आएगा, तो वो सारी बातें हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और ये बिहार एसटीईटी हर तरह से, जब से ये नोटिफिकेशन आया तो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई एक ना एक मुसीबत, एक न एक अटकलें हमेशा से आती ही रही है, तो उन सभी बातों को देखेंगे। और मैं चाहता हूं और आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद अपना एक कीमती सुझाव दें। मैं इसमें यह नहीं आपको बताने जा रहा कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह दो पहलू होती है, हाँ और ना। हाँ के साथ कौन है और ना के साथ कौन है, इस पहलू को समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। तो बस मैं उन सभी बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। शुरुआत से लेकर अभी तक जो जो घटित हो रहा है, मतलब कि जो भी सिंसियर और एक सीरियस टाइप के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना कीमती सुझाव मुझे अवश्य दें। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो न्यूज़ था कि TET पेपर लीक केस में 22 मई तक नहीं जारी होगा रिजल्ट BSEB, ये आपको आज के पेपर में हो सकता है तो न्यूज़ आ भी जाए, ऐसा कुछ आया है। और ये एक न्यूज सत्य है कि गलत है, आपके कल पेपर न्यूज में आएगा और आप लोग खुद अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शुरुआत से किन मुसीबतों के साथ हम लोग इसको झेल रहे हैं। और एक बात आप लोग याद कीजिए कि जैसे ही एग्जाम आपका खत्म हुआ था तो मैंने आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बोला था कि अब ये एग्जाम ओवर हो गया, अब आप लोग अपने अपने कार्य में लग जाइए, जो चीज़ पे आपका फोकस है उस पे कीजिए, क्योंकि बिहार का एक छोटा सा भी एग्ज़ाम होता है सो अपने आप में एक रहस्यमयी है। वो कब हो, कैसे हो, क्या होता है, उस रहस्य को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ हर एक एग्ज़ाम में अटकलें आती रहती है। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करना कि यहाँ पे मैं बिहार में पैदा होकर ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। इस चीज़ को माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि लास्टली वही होता है जो आपके लाइफ में एक, मतलब जो अच्छा होने वाला होगा उसमें थोड़ा सा देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम में कोई सिलेबस नहीं था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, तो बिना सिलेबस का ये एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का एक मुद्दा उठा। तो एक बात आप लोग बताइए, जब बोर्ड वाले ने किसी प्रकार का सिलेबस दिया ही नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस की कोई बात ही नहीं होती है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हुए, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि जो बंदा शुरू से बायोलॉजी पढ़ते हुए आ रहा है या फिर साइंस के किसी स्ट्रीम से है, उसे बस मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया तो उसके लिए कुछ डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हो गई, क्योंकि वो उस फील्ड का था नहीं, फिर भी वहाँ पे सिलेबस नहीं थी। बात यहाँ पे ही है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कोई भी एक प्रॉपर सिलेबस नहीं था। तो जो लोग जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते थे वो उसी स्ट्रीम का फोकस करके और उसी तरह का तैयारी करके गए एग्ज़ाम देने, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, पर सिलेबस प्रॉपर नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस का बात तभी आता है जब कोई प्रॉपर सिलेबस हो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एग्ज़ाम डेट को लेकर भी इसी तरह अटकलें चल रही थी, यानी कि जब 7 नवंबर एग्ज़ाम का डेट था तो उस टाइम भी आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी अटकलें आ रही थी, कोई ना कोई पेपर का न्यूज़ लीक हो रहा था, तो कहीं का PA तो किसी का, कहीं के DM साहब तो कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। उसके बाद लास्टली क्या हुआ कि एग्ज़ाम का डेट आया और फाइनली एग्ज़ाम हुआ। जब एग्ज़ाम हम लोग देने गए और एग्ज़ाम दे के जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो एक अलग टाइप का ही हंगामा हो गया। उसमें क्या हुआ कि कुछ जगह का सेंटर को कैंसिल किया गया, क्योंकि उस समय हंगामा हुआ कि पेपर लीक हुआ है। चलिए, वो भी चीज़ हम लोगों ने देखा, एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल हुआ, फिर से उसका पुनः एग्ज़ाम लिया गया और उसका आंसर की भी दे दिया गया।
उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे तभी एक 34,000 न्यू वैकेंसी की बात, एक न्यू रचना निकल कर आई। तो हम सबों ने सोचा कि ये तो महामारी के बीच में आई है, इतनी बम्पर वैकेंसी फिर से आई है, तो इसमें क्यों ना हम सभी लोग साथ में मिलकर ऐसा कुछ करें कि इसका रिजल्ट एक साथ प्रकाशित हो, जो का हर एक सब्जेक्ट के बंदे को उसका कुछ ना कुछ फायदा हो और कम नंबर पे सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया। जब हम सब पूरा जोर लगाकर ट्विटर कैंपेन चलाए कि रिजल्ट एक साथ प्रकाशित हो जाए, उसी बीच में हम लोगों को लगा कि अब रिजल्ट आ भी जाएगा, भले ही वो पहले 37,000 के लिए आए और उसके बाद चरणबद्ध में 34,000 के लिए आए। तो ये हम लोग की एक आशा की किरण जगी मन में, एक उम्मीद आया कि अब रिजल्ट आ जाएगा। पर इसी बीच एक ऐसा आंधी चला जो हमारी जो हम सबों की उम्मीद को ही ले डूबा। अब ये आंधी जो है, सो अब अगर आप सोचिएगा तो एक बात आप बताइए कि किसी भी जगह पे दो चीज़ होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। आप बस अपने ऊपर लेके चलिए कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने गए और उस एग्ज़ाम में अगर आप अपना बेस्ट नहीं कर पाए, ठीक, या किसी न किसी कारण बस आपका उस एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहा है, तो एक मानव की अपनी सोच होती है और उसके अनुसार अगर कहीं से भी कुछ आता है कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, तो आपका जो वोट होता है, आपका जो अंतः मन का एक पुकार होता है, तो आप यही सोचते हैं कि नहीं ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद हम और ज़्यादा मेहनत करके अच्छा नंबर लाएंगे। वहीं पर उसी एग्ज़ाम को जो बंदा अच्छे से दिया है, अच्छा नंबर ला रहा है, वो सोचता है कि नहीं कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, इससे मेरी बहुत सी उम्मीद जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक रोज़गार है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अब इस एज में पहुंच गए हैं कि उस एज में उनको रोज़गार नहीं मिला, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छा नंबर लाए हैं, पर कुछ न कुछ हंगामा और किसी न किसी के तरह का कोई थर्ड पर्सन के क्या उसको आप बोलिएगा, गलतफहमी हो, या फिर किसी तरह का एक गलत साजिश हो, या फिर किसी तरह से पेपर लीक हो गया हो या वायरल हो गया हो, उसके कारण क्या होता है कि जितने लोग एग्ज़ाम में कैंडिडेट जो होते हैं उस सारे लोग को भोगना पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि एग्ज़ाम आप दे दिए, अब एग्ज़ाम का टेंशन छोड़ के अपने मेन काम पर लग जाइए, किसी और चीज़ पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि एसटीईटी हम दे दिया और उसी के ऊपर डिपेंड होके बैठ गए कि अब जो भी होगा इसी के साथ होगा, इसी के साथ मरना है और इसी के साथ जीना है, ऐसा कभी मत सोचिए। ऐसा सोचना ही अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही बड़ा टेंशन है, और वही व्यक्ति उस टेंशन में चले जाते हैं और वो आगे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक एग्ज़ाम आप दिए, उसके बाद अपने पुनः दूसरे कार्य में लग जाइए। तो ये थी, उसके बाद हम लोग जैसे ही ये न्यूज़ सुने कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक समझिए कि बहुत ही बड़ा निराशजनक बात सभी के मन में चलने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे थे जो मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट, यानी कि अगर हम जिनका पेपर अच्छा नहीं गया हो, या फिर किसी न किसी तरह से वो सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं ये गलत नहीं होना चाहिए, तो उनके अंदर में एक आशा की किरण जगी, चलो अब पेपर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे दो पक्ष बन चुका है, अब यहाँ पे जो बात है सो दो पक्षों की हो चुकी हुई है। तो प्लीज़ आप लोग किसी पक्ष पे फोकस मत कीजिए, जो भी होना होगा वो सरकार का निर्णय है, सरकार वहाँ पे प्रूव करेगा कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उनका अपना कार्य करने दीजिए, आपका कार्य है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाया, अब रिजल्ट का वेट कीजिए, भले ही एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या फिर पुनः एग्ज़ाम हो या फिर उसका रिजल्ट प्रकाशित हो, ये सारा काम अब सरकार का है, इसमें कोई भी इंसान कुछ कर नहीं सकता है। हम लोगों में जितना भी जोर था हम लोगों ने लगाया, अपने बात को सरकार के सामने रखा, अब ये सरकार के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात बस एक किसी एक की नहीं है, यहाँ पे बात है पूरे समाज की। अगर कुछ रोज़गार आता है तो सभी के बीच में आएगा। तो किसी भी बात पे टेंशन नहीं होइए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बस एक यही उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो जो भी लोग मतलब कि सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, जॉब के प्रति, जो भी लोग सीरियस हैं वो फिर से एग्ज़ाम देंगे और फिर से वो उतना मार्क्स वो ला सकते हैं और जो सीट है उसके बीच में अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। बाद बाकी जो बस हवा हवाई हैं, जो सिर्फ बातों के हवा से चल रहे हैं, उनके लिए आज भी टेंशन है और कल भी टेंशन होगा। उनको बस चाहिए कि बना हुआ मिठाई मिल जाए और हम खा लें, पर जिनको मिठाई बनाने आता है तो दूध बनाना भी सीख लेंगे,
और कैसे क्या करें कि उसमें दूध का भी स्वाद आ जाए, वो बस एक मिठाई बनाने वाला इंसान ही समझ सकता है। यानी कि जो पढ़ना जान रहा है, जिसको पता है कि कब क्या कैसे होगा और किस परिस्थिति में वो कैसे रहना है, वो इतना हाइपर नहीं होगा। तो आप लोग अपने कार्य में लगे रहे, और भी एग्जाम होती है उसकी भी तैयारी करते रहे, और जो भी होगा एसटीईटी का वो छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस हमें डट कर इस टाइम का मुकाबला करना है, टेंशन में नहीं जाना है, ताकि टेंशन में जाने से आपका दूसरा कार्य जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आप टेंशन में मत जाइए, कन्फ्यूज मत होइए, जब रिजल्ट आएगा तब बढ़िया, रिजल्ट आया तो और अच्छा, नहीं आया तो फिर से तैयारी करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। आज जो ये टेंशन है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आया ना, जो एग्ज़ाम 8 साल से नहीं हो रहा था, 9 साल से नहीं हो रहा था, वो एग्ज़ाम हुआ तो आपको समझ में आया ना कि पैटर्न क्या है। अब तो आप सभी लोग ये परिचित हो गए कि कब होगा, कैसे होगा और क्या पूछा जाएगा, तो और अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा एग्ज़ाम देंगे। तो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारा कुछ दूसरे का टेंशन, उसको आप छोड़िए। आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आपको करना क्या है। हाँ, अगर कुछ लगता है कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छा पॉइंट है, उस पर आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब तक हम सभी लोग मिलकर किसी भी बात पे सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए आप लोग साथ में रहिए, डटकर मुकाबला कीजिए, किसी भी बात पर टेंशन मत होइए। और कोई भी बात आपको लगे, या फिर इस वीडियो को आप जो देखें, आपके मन में कोई विचार आ रहा है, तो उसको आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और अपना कीमती सुझाव जरूर दें। तो वीडियो के लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। और लास्ट एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं शुरू से, कैसा नहीं है कि आप लोग शुरू से एसटीईटी पे ही फोकस कर रहे हैं, तो जिस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, जहाँ भी कुछ वर्क कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। इस टेंशन में उसको आप हाइपर होकर उस चीज़ को बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।